बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो हम लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले अपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को। लॉगिन करने के बाद मैं आपको न्यू स्टूडेंट, रिव्यू ऑफ स्टूडेंट बता चुका हूँ और सच स्टूडेंट का भी आपको हवाला दे चुका हूँ मैं रिपोर्ट में। रिसीविंग फ़ी के हवाले से अगर हमने किसी बच्चे की फ़ीस रिसीव करनी होगी तो यहाँ पर हम उस बच्चे का नाम और वल्दियत दे के हम उसकी फ़ीस रिसीव कर लेंगे। इसके अलावा पूरे साल का हमारे पास शेड्यूल होगा फ़ीस को रिसीव करने का, प्रिंट करने का, हर बच्चे का यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद होगा। और यहाँ तक कि स्टेशनरी चार्जेस हमारे अगर कोई हैं सालाना या मंथली और एकेडमिक चार्जेस भी हैं तो ये भी हम इसी में ही वसूल करेंगे हर बच्चे के लिए। आप इस जगह पे अगर अपने फ़ीस को जमा करना है तो ये साल के 12 महीने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इस महीने में आपने यहाँ पर ज़ीरो की जगह पर फ़ीस को रिसीव करना होगा, जितनी भी आपने बच्चे से लेनी है वो यहाँ पे जमा कर देनी है। और हर मंथली आपने जो है ना अपना प्रिंट कर लेना है यहाँ से क्लास वाइज फ़ी वाउचर। और अगर आप जो है ना आईडी वाइज किसी बच्चे का करना चाहें तो वो भी जो है ना हमारे पास मौजूद है उसकी। तो ये देख लें, मैंने क्लास नर्सरी का सिलेक्ट किया है तो ये क्लास नर्सरी की बच्चों की फ़ीस आ गई है। सबसे पहले अहमद अख्तर है, इसकी 5200 फ़ीस आई है, 4200 फीस इसकी 6 महीनों की बन रही है क्योंकि अब छठा महीना है और ये जनवरी से स्टार्ट हुई है इसकी फ़ीस, क्योंकि इसमें कोई फ़ीस हमने जमा नहीं की इसलिए 4200 वो और 1000 रुपया इसका एडमिशन फ़ीस था। ये ऊपर भी लिखा गया है फी वाउचर में और वहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1000 रुपया इसका जो है ना एडमिशन फ़ी और 700 रुपया मंथली फ़ीस है। तो 8 महीनों की ये फ़ीस बनेगी, 6 महीनों की ये फ़ीस बनेगी 4200 और 1000 रुपया ये 5200 टोटल बनेगा। तो अगर हम इसकी हर महीने की फ़ीस जमा कर दें कि इसने जो है 700 रुपया महीना हमें जमा करा दिया है तो आप सेव करेंगे। और सेव करने के बाद अगर मैं आपको दोबारा इसका वाउचर दिखाऊं तो आप देखेंगे ये मई तक हमने इसका 700 रुपया ऐड कर दिया है और रिकॉर्ड को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको दोबारा प्रिंट करेंगे और ये प्रिंट की तरफ हम जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं अब बच्चे का 1700 बाकी है, एक जून के महीने की फ़ीस और 1000 रुपया बच्चे का एडमिशन फ़ीस बाकी है। तो ये 1700 रुपया बच्चे का बाकी है, बाकी फ़ीस हम रिसीव कर चुके हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास फ़ी इंफॉर्मेशन का टैब है जिसमें हम जो है ना बच्चों की फ़ीस जो है वो बाय स्टूडेंट और बाय क्लास वाउचर भी जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद जमा भी कर सकते हैं। इससे अगला जो हमारे पास है वो क्रिएट रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बच्चे का रिकॉर्ड सेलेक्ट करके उसके फ़र्स्ट टर्म के तमाम मजामीन के नंबर्स और टेन मार्क्स दिए हैं। और यहाँ पे आप देख लें फर्स्ट टर्म है और इसके बाद सेकंड टर्म का अगर करना है तो हम फिर यहाँ पे करेंगे और फिर अगर हमने थर्ड टर्म का करना है तो वो यहाँ पर करेंगे। तो इसके अगर हम इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जिसका भी आप प्रिंट आउट लेना चाहेंगे तो यहाँ पे उसी बच्चे का प्रिंट आउट आ सकता है और आप इसको रिज़ल्ट कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे हम चलते हैं तो स्टूडेंट फॉर्म की तरफ, जो कि हमारे पास हर बच्चे के स्टूडेंट का फॉर्म है। अगर हम इसको एडिट करना चाहें ये एडिट स्टूडेंट फॉर्म कहलाता है और ये आप देख सकते हैं हर बच्चे का यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहा है। आप इसका नाम तब्दील कर सकते हैं, क्लास और अगर कोई और मालूमात भी हों वो भी हम यहाँ पर तब्दील कर सकते हैं। और मंथली फ़ीस हम यहाँ पर भी 800 जो देते हैं वही वहाँ पर शो होती है। इससे आगे हमारे पास स्टूडेंट अटेंडेंस है। अगर हम स्टूडेंट की अटेंडेंस लगाते हैं तो यहाँ पे हम नए अगर स्टूडेंट अटेंडेंस में यहाँ पे आपको नए स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा के दिखाऊं तो वो भी यहाँ पे लग सकती है और पुरानी जो अटेंडेंस हमारी लगी हुई है वो भी यहाँ पे शो हो सकती हैं। इससे आगे क्लास अटेंडेंस है। अगर हम क्लास वाइज अटेंडेंस मार्क करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्लास वाइज अगर मैं क्लास नर्सरी की अटेंडेंस मार्क करूँ ऑल प्रेजेंट हैं या पार्शल प्रेजेंट, अगर आल करूंगा तो तमाम स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। तो अगर मैं पार्शल प्रेजेंट करूंगा तो फिर साफ ज़ाहिर है यहाँ पे सिर्फ वही प्रेजेंट होंगे जो पार्शल में आते हैं। और अगर इस रिपोर्ट को मैं प्रिंट करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट भी हमारी प्रिंट हो चुकी है, तमाम बच्चे हमारे प्रेजेंट के तौर पर हमें नज़र आ रहे हैं। इसी अगला टैब हमारे पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। अगर हमने बच्चे का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना है तो हम उसको इस तरह से देंगे कि यहाँ पे हम बच्चे का रिकॉर्ड पहले चेक कर लेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ, कास्ट,
और एकेडमिक में हम एकेडमिक ईयर लिखेंगे, जैसे कि 2023 है और उसने एनुअल एग्जामिनेशन पास किया तो ग्रेड उसका क्या है या फेल है, और उसके बाद स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की डेट हम देंगे। और ये तमाम चीज़ें देने के बाद हम क्या करेंगे, जो है इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको प्रिंट कर लेंगे, तो बाय प्रिंट आईडी होगा क्योंकि बच्चे की आईडी दो थी तो हम इसको बाय आईडी देंगे, सॉरी बाय नेम और बाय आईडी था, मैंने गलती से नेम के ऊपर आईडी दे दिया, तो ये नेम को हम छोड़ के बाय आईडी देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं उसी बच्चे का यहाँ पे हमारे पास 2023 मैंने लिखा है, एनुअल एग्ज़ामिनेशन पास ए प्लस, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। ये डेट मैंने आज की सिलेक्ट की थी 14 जून, वो भी मौजूद है। इस तरह से हम बच्चे का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके अलावा आगे एम्प्लाइज़ है, अगर आप देखें तो एम्प्लाइज़ के टैब में न्यू एम्प्लाइज़, जिस तरह हमने न्यू स्टूडेंट ऐड करते हैं इस तरह न्यू एम्प्लाई हम ऐड करेंगे। और उसके बाद अगर हम ऑल एम्प्लाइज़ को देखना चाहें तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। सेम उसी तरह अगर हम सर्च करना चाहें एम्प्लाई को बाई नेम तो हम वो भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें मैंने अपना नाम सर्च किया है क्योंकि मैंने खुद का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद इससे अगला सर्च सैलरी है, हम सैलरी वाइज भी एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं, उसकी सैलरी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कितनी सैलरी है, ले चुका है या रहती है। सेम इसकी भी आल जो है इसकी भी रिपोर्ट्स मौजूद होंगी, अगर हम इसकी भी रिपोर्ट्स सेलेक्ट करना चाहें और देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। ये आल एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट, ये देखें आपके सामने रिपोर्ट मौजूद है और उसको प्रिंट आउट लेके आप अपने रिकॉर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इससे आगे चलते हैं और हम इससे अगला टैब है रिजल्ट्स का, क्योंकि हमने क्रिएट यहाँ पे करना है, वहाँ पे हमने जस्ट रिव्यू के लिए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म रिज़ल्ट। और अगर हम ऐड रिकॉर्ड पे आएँ तो यहाँ पे हम नया रिकॉर्ड सेलेक्ट करके इसको हम नए बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड यहाँ पे बनाएंगे, और सेकेंड टर्म का सेम इसी तरह से, और फिर सेम इसी तरह से हम जो है आगे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और एनुअल टर्म का भी हम इस तरह बना सकते हैं। पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं अगर स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का डाटा देने के लिए हमने यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाया है और स्कूल का डाटा हम यहाँ पे सही तरीके पे देंगे तो वही चीज़ें हमारी जो है ना शो होनी है। और उसके बाद एड्रेस वगैरह, फिर एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में हम डेली एक्सपेंसेस अपने और एक्सपेंसेस डेट वाइज एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इसके अलावा भी जो हम देना चाहें यहाँ पर, मिसाल के तौर पर मैं आज की डेट में देता हूँ जी मैंने अपने स्टाफ को सैलरी दी है तो स्टाफ सैलरी हम देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने जो है ना 10,000 रुपये स्टाफ सैलरी दी है और ये हमारा डिबेट हो जाएगा, क्रेडिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम डिबेट को सिलेक्ट करेंगे, अगर क्रेडिट हमारे पास कोई फ़ीस आती तो वो सिलेक्ट करते, और अगर हम इसको प्रिंट आउट लेना चाहें तो ये भी हम ले सकते हैं प्रिंट आउट भी इस तरह से। तो इससे आगे चेंज या ऐड यूज़र है, हम जो हमारा यूज़र है उसको हम चेंज करना चाहें या नए यूज़र को हम यहाँ पे तलाश करना चाहें तो इसके लिए मौजूद है। और इसके बाद एग्जैक्ट है जिससे हम अपने सिस्टम को क्लोज कर देंगे। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे होता है, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।